2024 की लोकसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान शुरू होने में महज 48 घंटे का वक्त बाकी है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में 12 सीटों पर पहले चरण में चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता रैलियों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दिग्गज नेता सचिन पायलट लगातार तूफानी दौरे कर रहे हैं, जनसभाएं और रोड शो के माध्यम से लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा प्रभाव छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सचिन पायलट पिछले दिनों अपने जो गृह क्षेत्र है दौसा, वहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले आपने मुझे प्यार दिया था, 20 साल पहले आपने मुझे सांसद बनाया था, लेकिन 15 साल से वहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए सूखा है। और ऐसे में लोगों से किस तरीके से वोट की अपील करते नजर आए सचिन पायलट, सुनिए जरा। सविता जी को पार्टी ने टिकट दिया था, उस टाइम सरकार हमारी थी, हमारी पार नहीं पड़ी। पूरे प्रदेश में सबसे कम अंतर से अगर कोई हारी थी सविता जी हारी थी, लेकिन सविता जी सांसद नहीं बन पाई। लेकिन सविता जी मुरारी मीणा जी सांसद बनेंगे बनेंगे बनेंगे। और आप लोग मेरी बात सुनो ध्यान से, डीजे बजाने से ताली बजाने से कोई सांसद नहीं बनने वाला। सामने वाली पार्टी बहुत मजबूत है, संसाधन है, सरकार की ताकत है, सब कुछ झोंक देंगे वो, उनकी भी नाक का सवाल है। सारे नेता घूम रहे गांव में, दिन के 30-30, 40-40 गांव जा रहे हैं, कोई चावल बांट रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई पद की धमकी दे रहा है, कोई भाषण। अरे भाई ये लोकसभा के चुनाव है, ये दिल्ली का चुनाव है, ये नेताओं की नाक का सवाल नहीं है, देश के भविष्य का सवाल है। तो मुझे तो आप जितने नौजवान खड़े हो बता दो, जो गड्ढा पिछली बार चाक से हुआ था उसको तुम भाई भरोगे नहीं भरोगे? क्योंकि ये जब मैं दौसा का सांसद था तो चाकसू दौसा में नहीं आता था, जब से परिसीमन हुआ है तब से कांग्रेस पार्टी जीत ली है। और आप सब जानते हो लोकसभा क्षेत्र दौसा का नाम स्वर्गीय पायलट साहब से जुड़ा है, मेरी माँ रमा जी यहाँ से सांसद है, मैं भी दौसा का सांसद रहा, यहाँ से शुरुआत हमारी हुई थी, मेरी शुरुआत हुई थी 20 साल पहले। तो 15 साल का सूखा है, कोई टोटका पोटका करो। 4 जून को जब परिणाम आए, देखो भगवान ने चाहे तो हम जीतेंगे, माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन घर नहीं बैठना। अगर वोट पेटी में नहीं पड़ी, साए उस दिन बहुत हैं, कोई जिम में जा रहा है, कोई माइके, कोई बरात में, कोई ससुराल में, कोई नाच गा रहा है, और वोट डालना भूल गए, जब तक पूरा वोट पेटी में नहीं पड़ेगा, आपकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी 19 तारीख को, तब तक पार नहीं पड़ेगी। हमारे जो प्रतिस्पर्धा करने वाली पार्टी है भाजपा, उसको कम नहीं आंकना, वो भी सारे घोड़े खोल के रखेंगे, छोड़ने वाले वो भी नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं, मुझे जनता पे भरोसा है और चाकसू के लोगों पे भरोसा है, ना सिर्फ हम गड्ढा भरेंगे, भारी बहुमत से चाकसू जीतेंगे, याद करना पड़ेगा। अब सविता जी देखो, मैं हर बार इस बात को बोलता हूं, ये धर्मपत्नी मुरारी जी की, पहला चुनाव मुरारी जी लड़ा सविता जी को बांदीकुई से विधानसभा का, नहीं जीत पाई, फिर मुरारी जी लड़े वो जीत गए, पिछला लोकसभा चुनाव इनको लड़ाया ये नहीं जीत पाई। तो मुरारी जी की चाल ये रहती है, पहले सविता जी को भेज दो, रास्ता साफ करती रहती है, कांटे कंकर हटा देती है, फिर मुरारी जाके बैठ जाती है, और वो इस बार जीतेंगे मेरा मन ये कहता है। लेकिन पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, पार्टी की जो सोच है, उसको जनता, मैं बहुत घूमा हूँ देश में चुनाव में, आपके आशीर्वाद से हर प्रदेश में जाने का मौका मिला, और आप पार्टी में जो छपता है वो हकीकत नहीं है, लोग बदलाव की आज 30 लगाकर बैठे हैं और बदलाव चाहते हैं, बदलाव होगा लेकिन आपके सहयोग से होगा। तो मेरा आपसे गठबंधन निवेदन है, और मुझे खुशी है वेद सोलंकी जी आपने आज एक अच्छा भाषण दिया, मैंने पहले भी कहा था तुम 6 महीने पहले बागे थे, अलग बात है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता, आने वाले समय की चिंता करनी चाहिए। 19 तारीख को यह हाथ का निशान है, तो बटन दबाकर हमारी बहन के घरवाले को सांसद बनाना है सविता जी को, ठीक है? पक्की बात? तुम अगर पक्की नहीं, मैं यही बैठ जाऊंगा चौकड़े वाले। मुझे एक मीटिंग और करनी जयपुर में, फिर कल मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड, लेकिन आप लोग इस चुनाव संभल के लड़ना है,
आपकी जिम्मेदारी, मेरा तो फर्ज आपको बात बताने का है, समझाने का, निवेदन करने का है। बाकी आप सब कार्यकर्ता हो, आप एक एक आदमी, आप 500 वोट का मालिक है। अपने गांव में, ढाणी में, समाज में हम लोग घूमे फिरे और एक बदलाव लाए और दौसा से भारी जीत होगी। तो सच में साथियों और बताना चाहता हूँ, भविष्य की राजनीति को, राजनीति रुकती नहीं है, भविष्य की राजनीति को अगर आप ताकत देना चाहते हो, भविष्य की राजनीति के रास्तों को साफ करना चाहते हो, तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी का जीतना बहुत जरूरी है। मुरारी जी सांसद बनेंगे, राहुल गांधी के हाथों को ताकत मिलेगी, मेरे हाथों को ताकत मिलेगी, कांग्रेस पार्टी के हाथों को ताकत मिलेगी। मैं जो बोला सबको समझ में आ गया अच्छी तरह से, जिस गंभीरता से मैंने बात को बोला समझ में आ गया। तो छत्तीस कौम के लोग, हर मजहब के लोग कांग्रेस पार्टी के हाथ का बटन दबाएं और मुरारी मीणा जी को यहाँ से सांसद बनाकर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम साहब। तो आपने सुना यहाँ पर सचिन पायलट को जो कहते नजर आ रहे हैं कि 15 साल का अपना सूखा खत्म कीजिए और केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में अपनी भागीदारी यहाँ पर निभाने की आवश्यकता है। तमाम सवालों पर जवाब लेंगे, मेरे सहयोगी अक्षय मेरे साथ मौजूद है। अक्षय, सचिन पायलट जिस मुखरता के साथ बीजेपी को यहाँ पर घेरने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी के लिए राजस्थान में कोई उम्मीद की किरण नजर आती है इस बार? देखिए, राजस्थान की अगर बात की जाए, हालांकि केवल राजस्थान की बात नहीं है, लेकिन अगर राजस्थान से बात की शुरुआत की जाए तो सचिन पायलट ही कांग्रेस के लिए उभरती हुई किरण है। आप अगर यहाँ पर गौर करें, ये विधानसभा चुनाव जिस तरीके से बीते साल हुए थे, उससे पहले अगर यहाँ पर जिस तरीके से सचिन पायलट और तत्कालीन कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच तनातनी की जो स्थिति थी, वो स्थिति आखिरकार यहाँ कांग्रेस आला कमान के हस्तक्षेप की बात थम जरूर गई थी, लेकिन उसने ये चीज लगभग जग जाहिर कर दी थी कि कांग्रेस में और कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट का राजस्थान की जो जनता है वहां पर क्या कुछ सियासी वर्चस्व है। इसके अलावा आप यहां पर गौर करेंगे, जिस तरीके से सचिन पायलट को लोकसभा चुनावों के मद्देनजर राजस्थान से बाहर ले जाकर की भी यहां अन्य राज्य में प्रतिनिधित्व दिया गया था सचिन पायलट को, वो इस बात का साफ यहां दर्शा रहा था कि सचिन पायलट ही कांग्रेस की नौका को पार बना सकते हैं। अब आप यहां पर देखिए, दो मुझे लगता है कि मुख्य चीजें यहां पर निकल के सामने आती है। सबसे पहले तो ये कि इन लोकसभा चुनावों में कहीं ना कहीं सचिन पायलट के हाथों में कमान कांग्रेस की है, भले ही वो यहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो कमान है कांग्रेस की राजस्थान के अंदर, वो सचिन पायलट ही संभाल रहे हैं। और अब जो वो यहां पर प्रदर्शन कांग्रेस का कराएंगे, वो कहीं ना कहीं 2028 में होने वाले राज्य के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए मजबूत नींव भी रखेगा और वहां पर भी कांग्रेस की ओर से बड़ा चेहरा सचिन पायलट ही बनेंगे। ऐसे में अगर केवल राजस्थान की ही इन 25 लोकसभा सीटों की बात कर ली जाए, तो यहां पर भाजपा की जो ये चुनावी रणनीति है, तमाम तरह से तमाम जो मुद्दे भाजपा उठाती है, उनको कहीं ना कहीं राजस्थान में मुख्य रूप से काउंटर सचिन पायलट ही कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर सचिन पायलट मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में 40 सालों से जो परंपरा चली आ रही है, राजस्थान के लोगों ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है, हमें इस चीज का कोई मलाल नहीं है, लेकिन अब लोकसभा का चुनाव है और केंद्र में कांग्रेस की सत्ता को यहाँ पर वापसी करवाना है। आखिरी सवाल रहेगा यहाँ पर अक्षय, जिस तरीके से अशोक गहलोत की बात करें तो जालोर सीट तक सीमित दिखाई दे रहे हैं, इतना प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं लोकसभा चुनाव में, लेकिन सचिन पायलट, क्या कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट के कंधे के ऊपर ही सवार होकर के और राजस्थान की नैया को पार करना चाहती है, जबकि बीजेपी के लिए राजस्थान में इस बार जो राह है वो आसान नहीं होने वाली है? बिल्कुल, देखिए, इस बात में कोई दोराय नहीं है। आपने यहां पर सचिन पायलट के साथ साथ अशोक गहलोत का भी जिक्र किया। गौर करने वाली चीज ये भी लगती है कि अशोक गहलोत का अब कोई खासा बड़ा राजनीतिक भविष्य नहीं है, 70 साल से ऊपर उनकी उम्र हो चुकी है। क्या 15 साल बाद भी कांग्रेस के लिए विकल्प के तौर पर अशोक गहलोत होंगे? नहीं, लेकिन 15 साल बाद सचिन पायलट जरूर हो सकते हैं। इसीलिए सचिन पायलट ही कांग्रेस की नौका को राजस्थान में पार लगा सकते हैं। आप देखिए, सचिन पायलट जिस तरीके से उभरते कद के नेता है और खास तौर पर बीते विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का जो निराशाजनक प्रदर्शन राजस्थान में देखने को मिला, वहां पर जो सचिन पायलट का मुख्य क्षेत्र माना जाता है, वहां कांग्रेस का बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा अन्य क्षेत्रों की तुलना में। तो कुल मिलाकर के सचिन पायलट पर अगर वर्तमान में कांग्रेस इस प्रकार से भरोसा जता करके निवेश कर रही है, तो वो निवेश कांग्रेस के लिए भविष्य में भी सचिन पायलट के रूप में बेहद ही फायदेमंद साबित होने वाला है। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए आगामी वक्त में राजस्थान में उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, क्योंकि सचिन पायलट की ताबड़तोड़ रैलियां, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के
ताबड़तोड़ रोड शो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए राजस्थान की स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। तमाम जिस तरीके के ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी 50% यहां पर टक्कर में दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा कि क्या 2024 की लोकसभा चुनाव में यहां पर राजस्थान की जनता क्या बीजेपी को पटखनी देती है और कांग्रेस पार्टी के लिए नए सूर्योदय का उदय होता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 News।